खुद ही आमिर खान एक ऐसा नाम है, आमिर खान एक नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड है। इनकी मूवी आती है साल डेढ़ साल में एक मूवी आएगी और ये मूवी इतना अकेले कलेक्शन कर पाएगी कि बाकी सबकी मूवी मिलाकर भी इतना कलेक्शन नहीं कर पाती है। लेकिन पिछले कुछ समय में आमिर खान का काफी ज्यादा खराब टाइम चल रहा है, जहां पर लाल सिंह चड्ढा का तो इतना ज्यादा बुरा हाल हो गया है कि उसकी तो बात ही छोड़ दो, क्योंकि लाल सिंह चड्ढा कुछ टीवी बोरियत कुछ कॉन्ट्रोवर्सी के चक्कर में भी आमिर खान पिल गए बीच में। बट मेरे हिसाब से यहाँ पर आमिर खान एक काफी टैलेंटेड बंदे हैं और वो इनकी एक या दो मूवी फ्लॉप भी चली जाती तो उससे उनको घंटा कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे में आमिर खान की वन ऑफ द मोस्ट अवेटेड मूवी गजनी 2 भी हाल ही में आने वाली है। चीजें ऑलमोस्ट कंफर्म ही बताई जा रही, बस इसके अनाउंसमेंट की देरी है। देखो मैं आपको बताना चाहता हूँ, गजनी 2008 में आई थी और ये एक्चुअली में गजनी जो 2005 में आई थी, आई थिंक किसी मलयालम में आई थी ये मूवी, उसका रीमेक थी। और जो 2005 में गजनी आई थी वो भी हॉलीवुड मूवी मेमेंटम का रीमेक थी। खैर जो भी रीमेक हो, बट अगर रीमेक को भी एक अच्छे नजरिए अच्छे ढंग से पेश किया जाए तो वो काफी अच्छी रहती है। हम दृश्यम की बात कर लें या फिर किसी और अच्छी रीमेक की बात कर लें। देखो यहाँ पर हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के पिताजी मतलब कि अल्लू अरविंद, इनसे काफी बार मीटिंग हो चुकी है, जो कि असिस्टेंट प्रोड्यूसर है इस मूवी के गजनी 2 के। तो ऑलमोस्ट चीजें बस अनाउंसमेंट की दे रही है, गजनी 2 भी आपको बहुत ही जल्द नजर आने वाली है। और यहाँ पर ऐसी भी खबरें बताई जा रही हैं कि गजनी 2 में खुद से बिल्कुल इस बार ये किसी की रीमेक नहीं होने वाली है, बल्कि यहाँ पर नया कॉन्सेप्ट होगा। कुछ नई ऐसी चीजें इंट्रोड्यूस कराई जाएंगी जिनके बारे में आमतौर पर इंडियन सिनेमा में चीजें बताई नहीं गई या फिर आमतौर पर हम लोगों ने वो मूवी किसी भी मूवी में नहीं देखा है। अब मेरे हिसाब से अगर ऐसा होता है गजनी 2 तो एक अच्छी मूवी एक अच्छी ब्लॉकबस्टर बनने वाली है, क्योंकि भाई देखो गजनी का ऑलरेडी से इतना ज्यादा फैंडम है, आमिर खान का इतना ज्यादा स्टारडम है, दोनों मिलकर एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ अगर वापस आएंगे आमिर खान देन आई एम डैम श्योर कि वो वर्क करेगी। और अच्छी स्क्रिप्ट को इस बार जनता काफी ज्यादा सपोर्ट कर रही है और इस बार कुछ ऐसे भी खबरें आ रहे हैं कि आमिर खान अपना कॉन्ट्रीब्यूशन खुद से स्क्रिप्ट में देने वाले हैं। वो कौन है मूवी में किसके साथ उनको मेन लीड लिया जाएगा, इससे ज्यादा आमिर खान को इस बार फर्क इस बात से पड़ रहा है कि आखिरकार मूवी की जो स्क्रिप्ट है इसमें यूनिक क्या है और हम यूनिक क्या कर सकते हैं।